हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? आओ आज हम आपको डनीदार रोड की सैर कराएं। तो ये है डनीदार की रोड, जिसमें एक भी खड्डा नहीं है। ओह माय गॉड, सीरियसली इसमें एक भी खड्डा नहीं है। ये रोड है, कौन है इसको बनाने वाला, जिसने बनाई, कहाँ गए ये सारे, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग जो इतनी अच्छी रोड बना के कभी उस रोड की तरफ देखते नहीं हैं। बड़े से बड़ा मिनिस्टर भी होगा वो भी इस रोड की तरफ नहीं, बड़ा क्या है, छोटे की भी अगर हम बात करते हैं तो छोटा भी नहीं इस तरफ देखता है। ये तो अभी मेन हाईवे की हालत है, मतलब ये कंस्ट्रक्शन नहीं चल रही है यहाँ पे, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है। लेकिन मुझे भी नहीं समझ आ रही क्या है ये। तो बहुत ही बुरी कंडीशन है यहाँ पे। ये देखिए, मतलब यहाँ पे रोड नहीं है, इधर नाला है। हम भी सोच रहे थे कहीं पे रुकने की जगह मिल जाए, बट चलो अभी गाड़ी में ही है। तो ये आपको मैं वाटरफॉल दिखाता हूँ। ये देखो इतना बड़ा वाटरफॉल, ये यहाँ पे नेचर ने बनाया हुआ है। देखिए 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 देखिए, इतना सुंदर। और ये देखिए इतना, वो एक वाटरफॉल बह रहा है, वो देखिए वहाँ से। बहुत ही अच्छी कंडीशन है यहाँ पे, बहुत ही शानदार, मज़ा आ गया यहाँ पे ड्राइव करने का। अगर यहाँ पे कोई भी आ जाए, कोई बीमार है, कोई कुछ है, तो वो इतनी जल्दी, बोलते हैं ना, स्टेबल नहीं हो सकता। अगर एक ही दिन में मेरे पास तो वर्ड ही ख़त्म हो गए हैं, क्या वर्ड क्या बोले बंदा। ये देखिए शानदार नज़ारे, इतने शानदार, बोलते हैं नेचर है ये, नेचर। बहुत ही मुश्किलाहत का सामना करना पड़ता है यहाँ पे लोगों को। मैं गलत बोल गया, मुश्किलाहत कहाँ, बड़े आराम से इतनी स्मूथ गाड़ी चलती है यहाँ पे। आज तकरीबन 15 साल हो गए हैं इस रोड को बने हुए, लेकिन आज तक इस रोड में खड्डा ही नहीं पड़ा। इतनी अच्छी रोड बनाई, पता नहीं कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है जो इतनी अच्छी रोड बनाते हैं, और पता नहीं अपने बलबूते पे लगते हैं या आप समझ रहे हैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अभी आपको मैं और भी अभी आपको ले जा रहा हूँ, बहुत बोलते ना जन्नत की सैर करा रहा हूँ मैं आपको। देखिए मेरे साथ जितने भी जुड़ सकते हैं जुड़िए। और ये देखिए, अब ये कहाँ से जाना है, ये दरिया आ गया यहाँ पे, दरिया। ओ माय गॉड, ये क्या है, ओ, 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 ये क्या है, क्या ये? अच्छा चलो, अब हम चंदन नगर पहुँच गए हैं, डनीदार चंदन नगर। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी है अच्छी साफ रोड है, मतलब बनाई उसी कॉन्ट्रैक्टर ने है। अब गाय माता आ गए हमारे आगे। अच्छा अच्छा चलो, आप चलिए साइड में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब हम पहुंच गए हैं थोड़ा सर, उफ, ये क्या आ रहा है आगे से। यहाँ पे हम पैदल जाएं या गाड़ी में जाएं, यहाँ का इतना शानदार नज़ारा है।
अब हम सोच रहे हैं कि गाड़ी ले जाएं आगे या ना ले जाएं। पानी की रफ्तार बहुत ही आस्ता, ये रजौरी डन्नीदार इलाका है। तो अभी बारिश बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ क्या, अगर बहुत तेज़ भी हो तो वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आपने सड़कें अच्छी बनाई हो तो वो मैटर करता है। तो पानी सड़क के बीच से कैसे जा सकता है यार, अगर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो। यहाँ पे लोगों को याद आती है जब सड़क बन जाती है उसके बाद नालियाँ बनाने का इनको याद आता है। ओहो, अभी बाइक वाला बेचारा जा रहा है, देखिए बहुत ही अच्छी कंडीशन है। मैं वही सोच रहा था कि क्या कैसे जाया जाए। वो बच्ची एक आ रही है वहाँ से, बेचारी बह ना जाए, इतना कम पानी है यहाँ पे। तो बहुत ही शानदार नज़ारा यहाँ का। चलिए आपसे और भी वार्तालाप होगी।